बैक टू माई चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक गुड न्यूज़ लेके आई हूँ, स्पेशली यंगो के लोगों के लिए और उन पेरेंट्स के लिए जो कि अपनी बच्चों के एजुकेशन को लेके हाईली कंसर्न रहते हैं। एक दिन पहले मैंने एक स्कूल को विज़िट किया और उस स्कूल को विज़िट करने के बाद और कोऑर्डिनेटर से मीटिंग के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि ये सब कुछ मुझे आप लोगों के साथ ब्लॉग के थ्रू शेयर करना चाहिए। तो इस वक्त मैं बात कर रही हूँ न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल की। इस स्कूल की 8 से ज़्यादा ब्रांचेस रियाद में हैं और इसके अलावा इसकी 4 ब्रांचेस इजिप्ट में हैं। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि आपको 2 करिकुलम एक साथ मिलने वाले हैं, ब्रिटिश करिकुलम भी और अमेरिकन करिकुलम भी। और यहाँ पे केजी से लेकर ग्रेड 12 तक आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और 2 सेक्शंस आप लोगों को मिलेंगे, बॉयज़ के लिए भी और गर्ल्स के लिए भी। तो चलें अभी मैं आप लोगों को टूर भी कराती हूँ और इसके अलावा मज़ीद डिटेल्स के लिए व्लॉग को पूरा देखिएगा। सो या स्कूल का रिसेप्शन एरिया है और यहाँ पे मेरी मीटिंग मिस ईमान सोले से हुई। शी इज़ वेरी नाइस एंड वेरी कोऑपरेटिव। अगर आप लोग इस स्कूल को विज़िट कर रहे हैं मेरी वीडियो देखने के बाद तो आप मेरा रेफरेंस देना मत भूलिएगा। तो मिस ईमान सोले से मीटिंग के दौरान मैंने बच्चों की बुक्स चेक की और उनका क्राइटेरिया जानने के बाद, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद मिस ईमान सोले ने हमें स्कूल का टूर कराया। तो चलें अभी मैं आप लोगों को क्लासरूम्स जो है वो विज़िट करा देती हूँ। सबसे पहले केजी सेक्शन दिखा देती हूँ। इन्होंने बहुत ही खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ है, बच्चे खूब अट्रैक्ट होने वाले हैं। और ये देखें, कलरफुल सा रूम है, बच्चों की अट्रैक्शन के लिए खूब इन्होंने काम किया हुआ है। और एक और क्लासरूम देख लेते हैं। वाह, नाइस, ये आप देख सकते हैं, क्लासरूम स्पेशियस हैं। और ये आर्टवर्क चेक कर सकते हैं आप लोग। ये भी मैं आप लोगों को सारा केजी सेक्शन दिखा रही हूँ। अगर स्टाफ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन के साथ एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स मिलेंगे। इट्स अमेजिंग। चलते चलते जब मेरी नज़र टॉयलेट पे पड़ी तो मैंने सोचा इसको भी विज़िट कर लेते हैं। जब अंदर की तरफ देखा तो ये क्यूट सी स्मॉल सी टॉयलेट सीट देख के मुझे बड़ी हंसी आई कि चलें ये भी ठीक है बच्चों के लिए। तो ये भी केजी सेक्शन के बच्चों के लिए था। क्योंकि ये स्कूल डबल यूनिट बिल्डिंग है तो अभी बाकी सेक्शंस को देखने के लिए ऊपर की तरफ चलते हैं। आई लव कोट्स, इनको पढ़ते हुए मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। आर क्लासरूम वी क्रिएट। यंबो में लिमिटेड ऑप्शंस हैं स्कूल्स की, कहीं आपको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलती, कहीं पे फीसेस बहुत ज़्यादा हैं और कहीं पे एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। तो इन मसाइल का सामना हमें भी था तो हमने अपने 2 बच्चों का यहाँ पे एडमिशन करवाया। न्यू जनरेशन इंटरनेशनल स्कूल के तमाम लिंक्स आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आप लोगों को मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा लोकेशन भी आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आप कुछ स्कूल की और फैसिलिटीज़ देख लेते हैं। ये है बच्चों के लिए क्लिनिक जहाँ पर नर्स हर वक्त मौजूद रहती हैं। और इसके अलावा ये जो अब आप देख रहे हैं ये बच्चों की आर्ट क्लास है। और इसके अलावा बच्चों के लिए साइंस लैब भी मौजूद है, गर्ल सेक्शन के लिए अलग है और बॉयज सेक्शन के लिए अलग है। ये एक और क्लासरूम है और इसके साथ है इनकी साइंस लैब। ये देखिए, ये इनकी साइंस लैब है। इस लैब में डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट्स की फैसिलिटीज भी स्टूडेंट्स को दी जाएगी। और इसके अलावा बच्चों की डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए उन्होंने कुछ बच्चों के लिए होम डोमेस्टिक रूम भी बनाया हुआ था जिसमें वो बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाते हैं। स्कूल हो और लाइब्रेरी ना हो तो यहाँ पे भी इन्होंने खूबसूरत सी लाइब्रेरी बच्चों के लिए डिज़ाइन की हुई थी ताकि बच्चों में रीडिंग की हैबिट डिवेलप हो सके। और इसके साथ साथ बच्चों के लिए लॉकर भी मौजूद है। और इसके अलावा
बहुत बड़ी यहाँ पे कंप्यूटर लैब भी मौजूद थी जिसमें काफ़ी तादाद में कंप्यूटर्स रखे हुए थे। और ये लैब भी बॉयज़ सेक्शन के लिए अलग है और गर्ल्स सेक्शन के लिए अलग है। पढ़ाई के साथ साथ फिज़िकल एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये बच्चों का स्पोर्ट्स रूम है जहाँ पे बच्चों के लिए ट्रेडमिल और इसके अलावा इलेप्टिकल और साइकिल वगैरह रखी हुई थी, तो यहाँ पे बच्चे एक्सरसाइज भी इंजॉय कर सकते हैं। ऊपर का एरिया एक्सप्लोर करने के बाद मैं अब आपको नीचे लेके चलती हूँ। ये इनका इवेंट एरिया है और यहाँ पे बच्चों की मॉर्निंग असेंबली भी होती है। अभी मैं आप लोगों को बॉयज़ सेक्शन में लेके जा रही हूँ। एलिमेंट्री और हायर क्लासेस हैं यहाँ पे। चलें ज़रा इनको विज़िट करते हैं। लाइट्स अभी ऑफ हैं। ये बॉयज़ सेक्शन के लिए साइंस लैब है इनकी। Scientists do not eat or drink things. Interesting. और इस वक्त मेरे साथ इनकी कोऑर्डिनेटर मिस ईमान सोले भी मेरे साथ थीं, तो बड़ी अच्छी कंपनी रही उनके साथ। स्कूल में दो प्लेग्राउंड्स हैं, एक इनके फ्रंट पे था जो आप लोग आगे देखेंगे, वो भी बड़ा खूबसूरत सा प्ले एरिया इन्होंने बच्चों के लिए बनाया हुआ था। उसमें स्लाइड्स भी थी, बच्चों के लिए स्विंग्स भी थे। और दूसरा जो बॉयज़ सेक्शन की तरफ था वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। क्योंकि अभी हम लोग बॉयज़ सेक्शन की हायर क्लासेस को विज़िट कर रहे हैं, तो अभी ये उनकी कंप्यूटर लैब है। इसमें भी काफ़ी सारे कंप्यूटर्स बच्चों के लिए अवेलेबल थे। और ये इनका प्लेग्राउंड है जो कि अभी थोड़ा सा इसकी कंस्ट्रक्शन वगैरह होनी है, सेट करना है इन्होंने। और यहाँ पे स्विमिंग पूल भी है बच्चों के लिए, तो वो भी अभी आप लोगों को दिखाते हैं। ये इनका स्विमिंग पूल अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, सोचा आप लोगों को ये भी दिखा दूँ। और फ़िलहाल तो ये बन रहा है, देखें कब तक बनता है और कब फिर इसे बच्चे जो है वो यूज़ कर पाएंगे। कह तो रहे हैं कि ये स्कूल ओपन होने तक कंस्ट्रक्शन इसकी कम्प्लीट हो जाएगी, फिर बच्चों की वंस इन अ वीक जो है वो क्लास होगी, बच्चे स्विमिंग भी कर सकेंगे। आई होप आज की वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो ये इन्फॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। बाकी मेरा काम था आप लोगों के साथ शेयर करना, काफ़ी मेहनत से और बड़ी गर्मी में मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।